दोस्तों, अगर आप नुमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60-60 वीडियो मिले। दोस्तों इस वीडियो में धन के लाभ के लिए, सफलता बिजनेस में, सफलता के लिए, अगर आपका दुकान बिजनेस नहीं चल रहा है इसके लिए, डिप्रेशन के लिए, नींद नहीं आने के लिए, ये सब छोटी छोटी सी उपाय के बारे में हम आपको बताएं। छोटा सा उपाय है, आप कर लीजिए, आपका बेशुमार आपके पास दौलत आएगा, आपकी जो भी ठप बिजनेस है वो चल सकता है ये सिर्फ उपाय करने से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि धन की इच्छा सबके पास होता है। अगर आप आर्थिक स्थिति की तंगी से जूझ रहे हैं, अगर धन का लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार को सुबह उठना है और सुबह उठने के बाद आपको बाहर निकलना है और कोई पीपल का पत्ता तोड़ कर लाना है घर में, और उस पर चंदन से गायत्री मंत्र लिखना है पीपल के पत्ते पर, और उनका पूजा करना है। ऐसा करने से, क्योंकि पंचोपाक्षी जो मंत्र होता है उससे आप पूजा कर सकते हैं, या आपको जो भी श्रद्धा से इष्ट देवता के नाम से ही आप पूजा जो करते हैं वही कर लें। इससे आपको सिर्फ 5 शनिवार को ऐसा करना है, आपके पास में धन आना शुरू हो जाएगा, आर्थिक रूप से आपको स्वतंत्रता मिलेगी। इसके साथ साथ आप जो कर्म कर रहे हैं वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शनिवार को आप कर लीजिए उसके बाद आप 5 शनिवार तक सोए रहिए आपके पास धन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा है कि बिजनेस में सफलता, आप दुकान खोलते हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई भी दुकान है, कोई भी बिजनेस है, नहीं चल रहा है, आप लिख के लीजिए हो जाएगा। कैसे करना है हम बताते हैं आपको। इसके लिए आपको करना क्या है कि 5 कागजी नींबू जो होता है उसको ले लेना है, उसको काटना है, 4 भाग में काटना है, एक नींबू से 4 टुकड़ा, 4 भाग में काटना है। 5ों नींबू को काट लिए, उसके बाद उसमें काली मिर्च, 1 मुट्ठी काली मिर्च उस लेना है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मूंग या कोई भी दाल ले सकते हैं। उसके बाद उसमें अगर दाल नहीं मिलता है तो 1 मुट्ठी या 5 मुट्ठी आप पीला सरसों एक मट्टी के बर्तन में आपको लेना है, ठीक है। अब इस मट्टी के बर्तन में आपने डाल लिया, और किसी भी दिन, लेकिन ये शुक्ल पक्ष का कोई भी दिन होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का जो 15 दिन होता है उसका कोई भी दिन होना चाहिए। उस दिन में आपको करना क्या है कि रात में ये सब चीज को एक मट्टी के बर्तन में आप अपने दुकान में रख दें, जब आप बंद करते हैं उस वक्त। जब सुबह जाएंगे फिर दुकान खोलने के लिए, तो दुकान खोलने के बाद कोई स्टाफ या किसी को आप दुकान पे रहते, या कोई भी घर का जो सदस्य है उनको दुकान पे रख दें, और वो जो मिट्टी का बर्तन है जो दुकान में आपने रखा है उसको ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपका बंद दुकान भी चलने लगेगा। कुंडली में कोई भी समस्या है बिजनेस का तो ये चीज खत्म हो सकता है, चाहे वो किसी भी ग्रह का के कारण वो उत्पन्न हो रहा हो, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन। दोस्तों अगर आपको डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत मतलब कि ये रहता है आपको कि हम ये कर ले वो कर ले, बहुत से आज तो बहुत चल रहा है ये चीज, तो इसको, इसके लिए क्या करना है, आपको तुलसी का जो पेड़ होता है उसमें सुबह 11 बार आपको परिक्रमा कर लेना है। तुलसी का पेड़ कहीं भी आपके घर में है, या कहीं मंदिर में आपको मिलेगा, या कहीं भी अगर आपको मिलेगा देवी के स्थान पे, तो वहां पे 11 बार आपको परिक्रमा कर लेना है, और उसके साथ में वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक जला लेना है। ये सुबह और शाम अगर कर लेते हैं सिर्फ 5 से 7 दिन, तो आपका बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन से निकल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है नींद। अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, रात में अगर सोने के लिए जाते हैं और नींद नहीं आता है, तो सबसे पहले आप एक एक से लेकर 100 तक का गिनती करें, और ओम कुंभकाराय नमः का पाठ करें कम से कम 5 से 10 बार, और उसके बाद सो जाएं। नींद आएगा, 100% आएगा, लेकिन ये नियमित रूप से आप करते रहें, करीबन 10 दिन 15 दिन, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस अगर 21 दिन करते हैं तो वो एक प्रैक्टिस में बदल जाता है, लेकिन आपको उतना नहीं करना है, 10 से 11 दिन करना है, नियमित रूप से करना है, उसके बाद उसे धीरे धीरे छोड़ देना है। आप देखेंगे कि आपको बेड पर जाते ही नींद आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास में इस रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, बनाना नहीं बच जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, धन्यवाद।